आगरा डिवीजन इंश्योरेंस एम्प्लॉयज एसोसिएशन के बैनर तले मंडलीय कार्यालय संजय पैलेस आगरा पर LIC की संयुक्त यूनियन ने भारत सरकार द्वारा किए जा रहे निजीकरण के विरोध में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन कर PM मोदी सरकार को जन विरोधी निर्णयों के खिलाफ जगाने की कोशिश की। भारतीय जीवन बीमा निगम कर्मचारियों और अधिकारियों ने 3 मांगों को लेकर लंबित वेतन पुनर्निर्धारण, LIC में 74% FDI लागू करने और LIC के IPO लाने के विरोध में एक दिवसीय हड़ताल कर PM मोदी सरकार के निर्णयों का विरोध किया। निजीकरण के विरोध में शामिल विभिन्न यूनियन के पदाधिकारियों ने भारत सरकार के निर्णयों का विरोध कर चेतावनी दी। आज की जो हड़ताल है, एक दिवसीय हड़ताल है, वेज रिविजन, LIC का प्राइवेटाइजेशन और IPO जो ला रही है गवर्नमेंट, उसका विरोध के रूप में है। LIC एक ऐसी संस्था है जो कि भारत सरकार को हर साल 2600-2700 करोड़ रुपए का प्रॉफिट देती है और इसके अलावा जो प्रॉफिट होता है वो सब पॉलिसी होल्डर्स के लिए जाता है। गवर्नमेंट की साफ साफ इच्छा है कि 31 लाख करोड़ की जो प्रॉपर्टीज है हमारी, या 31 लाख करोड़ की जो पूंजी है, उसको डिसइन्वेस्टमेंट करके कुछ चुने हुए लोगों को बेचना और उसके बाद में अपना राज्य करना, उसका हमारा पूर्ण विरोध है। इसमें सारे सामाजिक संगठन अपने LIC के क्लास 1 ऑफिसर्स एसोसिएशन, क्लास 2, क्लास 3, SC ST संदेह ग्रुप, सारे लोग भाग लेंगे। अन्यथा की स्थिति में फिर हम लोग इनडेफिनेट स्ट्राइक पर जाएंगे, क्योंकि ये हम लोगों का जीवन और मरण का प्रश्न है, ये पॉलिसी होल्डर के इंटरेस्ट में स्ट्राइक है। मैं राजेश शर्मा, ऑल इंडिया इंश्योरेंस एम्प्लॉयज का ये आगरा डिवीजन है, उसका प्रेसिडेंट। ये हमारा अगस्त 17 से वेज रिवीजन ड्यू चल रहा है और उस पर अमूमन सारी बातों पर सहमति होने के बावजूद अभी तक उस पर कोई हरी झंडी नहीं दी गई है, उसको लेकर हम विरोध कर रहे हैं। हमारा विरोध जो IPO LIC का लाया जा रहा है उसको लिए भी हमारा विरोध है। हमारा विरोध जो 49 से बढ़ाकर 74% जो FDI कर रही है सरकार, उसके लिए भी हमारा विरोध है। सरकार LIC जैसी संस्था जिससे अपने हर साल हजारों लाखों करोड़ों रुपया अपनी पंचवर्षीय योजनाओं में देश के विकास में लगवाती रही है, उसको बेचकर अपने फंड को जुटाकर अपने जो खजाने को भरना चाहती है, उसके लिए हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। ये आम जनता का नुकसान इसमें योगा आप ये समझ लीजिएगा, जैसे LIC का प्रॉफिट जो होता है उसमें 5% हम सरकार को उसका एडिशन के रूप में देते हैं, बाकी 95% हम जो है CL इसके जो पॉलिसी होल्डर हैं उसको हम बोनस के रूप में बांट देते हैं। अब जब ये प्राइवेट स्टेक इसमें आ जाएगा तो क्या ये 95% पॉलिसी होल्डर में दिया जा सकेगा, इस बात का पूरा संदेह है। ये पॉलिसी होल्डर का नुकसान हो जाएगा और जब प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा LIC का, ये इस तरह बढ़ेगा तो जो सरकार समय समय पर पंचवर्षीय योजनाओं में देश के विकास के लिए जो पैसा अभी तक लेती रही है, क्या ये दिया जाना संभव रहेगा? यह सब ये देश की जनता का नुकसान होगा। मैं मनोज शर्मा, नेशनल फेडरेशन से हूँ। निजीकरण LIC और सरकार का सबसे बड़ी संस्था है जो सरकार को 2200 करोड़, 2300 करोड़, 2500 करोड़ रुपए हर साल डिविडेंड देती है। प्रॉफिट में होने के बाद इसको कुछ निजी उद्योगपतियों के हाथों बेचने की तैयारी है, इसका हम खुलकर विरोध करते हैं, इसी वजह से हड़ताल आज। मेरा नाम मोहन सिंह है, महासचिव हूँ OBC कल्याण संघ का। ये जो सरकार है बैंकिंग सेक्टर और इंश्योरेंस सेक्टर की जो वर्तमान सरकार की जो नीति है वो ठीक नहीं है, उन सभी का प्राइवेटाइजेशन करना चाहती है। ये हमारी जो लाभकारी संस्था है, यानी जो लाभकारी संस्थाएं उनका ये निजीकरण करने पर उतारी है, जबकि निगम हमारा हर साल एक मोटी रकम भारत सरकार को देता है। और सरकार अब क्या चाहती है, सरकार वो नहीं, सरकार को अंडे खाने चाहिए, अंडे की बजाय सरकार वो पूरी मुर्गी खाना चाहती है, अर्थात इसका निगम का हमारे का प्राइवेटाइजेशन करना चाहती है और हम इसका पूरा विरोध करते हैं। मेरा नाम राजेंद्र कुमार है, मैं SC ST सिंधे ग्रुप का मतलब महासचिव हूँ और हमारी जो संस्थान है LIC वो 25 लाख करोड़ रुपए का, 1000 करोड़ रुपए का बहुत महासमुंद्र है, इस पर सरकार की मतलब गहरी निगाह लगी हुई है और गंदी निगाह लगी हुई है और सरकार चाहती है किसी भी तरीके से इसको प्राइवेट कर जो है अपने फायदे के लिए काम करे और हम इसकी घोर निंदा करते हैं और इसके लिए हम जो है यहाँ हड़ताल पे बैठा हुआ।